नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माधुरी सिलाई क्लासेस में। आज हम आपको अम्ब्रेला लहंगे में किस तरीके से बॉर्डर लगाते हैं वो बताएंगे। हमने ट्रायंगल की तरह ही कपड़ा बिछा लिया बीच में सिलाई करके। अब हम 7-7 इंच की ये बॉर्डर बना के कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से ये हमने कट कर ली है, सेम इसी तरीके से इसके ऊपर रख के हम सारी बॉर्डर कट कर लेंगे। ये देखिए, हम सेम इसी तरीके से रखेंगे और इसको सब यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिए, अभी इसको आपको मैं जोड़ना बताती हूँ। ये देखिए, एक तिरछा मुंह हमारा इधर रहना चाहिए, एक इसका ये तिरछा मुंह ये साइड रहना चाहिए, तो हमारी ये क्रॉस पट्टी अच्छे से परफेक्ट जॉइंट होती है। एक का मुंह इधर होना चाहिए तिरछा, एक का मुंह उस तरफ होना चाहिए। अब हम इसमें सिलाई करते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है, इसी तरीके से हम सारी पट्टियाँ इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे, हम लहंगे में अटैच करेंगे। हमने सारी पट्टियाँ जॉइंट कर ली है। लहंगे को हम सीधा रखेंगे, सीधा रख के इन क्रॉस पट्टियों को सीधा यही सीधी सिलाई करके ऊपर से हम लेस लगाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ से सीधा कपड़ा रखा है, इसके ऊपर हमारी लेस आएगी, इसलिए मैंने इसको पूरा बराबर सीधी सिलाई कर दी है। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हो। इस तरीके से हम सीधी सिलाई करके लहंगे में ये ऊपर नीचे की साइड मैंने सीधी परफेक्ट, ना हमें ज़्यादा खींचना है ना ज़्यादा लूज छोड़ना है, परफेक्ट इसी तरीके से कपड़े को पकड़ के मशीन चलाते जाइए। देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई करते रहना है, ज़्यादा आपको खींचना भी नहीं है। ये हमने लगा ली है पूरे लहंगे में इस तरीके से सिलाई करके। अब हमारा पहले से हमने ये तैयार करके रखा था, सेम जैसे हमने क्रॉस पट्टी काट के इसको पट्टी को किया था वैसे ही अब कैनवास पे ये देखो काट के इसको नीचे अटैच कर दो, ताकि हमारा लहंगा हमने इसको ऊपर से लेके फिर यहाँ से सिलाई करके इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से सिलाई कर देंगे, कैनवास को ऊपर रखेंगे। हमने साथ में कैनवास के साथ में कपड़ा भी जॉइंट किया है। जिस तरीके से हमने क्रॉस पट्टी काटी थी वैसे ही कैनवास को काट के इस तरीके से हमें बनाना है। अब हम इस कैनवास को नीचे से इस तरीके से पिन लगा के, ताकि हमारी जो भी झोल आए अच्छे से फिनिशिंग से हमारा नीचे से झोल ना आए, और गोलाई में ऐसे मोड़ के हमारे कैनवास को पिन लगा देनी है। एकदम परफेक्ट करके हमारे ये सारे पूरे लहंगे में ये देखिए अच्छे से पिन लगा के पूरे लहंगे में। ये बन के फिर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लहंगा बनता है। ये देखिए, हमने इस तरीके से पिन लगा लिए इस पूरे में सिलाई करके। आप चाहे तो तुरपाई भी कर देना। इस तरीके से लहंगा बन के हमारा तैयार होता है। हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।